तो नमस्कार भैया, मैं शैलेश प्रजापति गोरखपुर यूपी से। तो भैया आज आप लोगों के लिए एक ऐसा काम लेकर के आया हूँ जो आप शुरू कर सकते हो। भैया ये काम शुरू करो और बहुत अच्छा खासा अर्निंग करो और पैसा कमाओ। मैं जानता हूँ यार, हमारा जो वीडियो देखते हैं ना सब 18 से 24 और 24 से 34 साल के लोग 80% ये लोग देखते हैं। 18 से 24 और 24 से 34 साल का जितना भी लोग है ना 80% हमारा वीडियो देखते हैं। तो भैया आप लोगों को मैं मानता हूँ कि ये जो जितने भी लोग हमारा वीडियो देखते हैं हमारी उम्र के या फिर हमसे कुछ हो सकता है 5-7 साल बड़े लोग हैं, वही लोग वीडियो देख रहे हैं और वो लोग भी चाहते हैं कि भैया हम अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करें, कोनो अपना काम करें। ससुराल दूसरे का काम नहीं करना है। कब तक कोई दूसरे का गुलामी करेगा? दूसरे की गुलामी नहीं करना, अपना काम करना है, अपना बिजनेस करना है। 80% का 90% लोगों को ना जहाँ भी जो भी लोग काम कर रहे हैं उन लोगों से पूछे कि भैया आप अपना काम करना चाहते हैं या फिर आप जीवन भर किसी का गुलामी करना चाहते हैं, किसी भी के पास काम करना चाहते हैं। तो आप लोग 90% लोगों को सुनेंगे भैया हम तो पैसे की वजह से काम कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है इसीलिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, पैसा मिल रहा है इसीलिए काम कर रहे हैं। तो ये तो भैया एक मजबूरी हो गई और आप चाहते हो जीवन भर इसी मजबूरी में रह के काम करें और पैसे के लिए काम करते रहें। आपका सपना नहीं पूरा, वो तो ससुराल उसका सपना पूरा हो रहा है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। आप वो सब चीज़ नहीं कर पाएंगे जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसके पास काम कर रहे हैं जो चीज़ें वो पूरा कर लेगा। तो भैया कहें दूसरे का सपना पूरा कर रहे हैं, थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा सा रिस्क उठाओ और कोशिश करने में कहा जाता है यार, लाइफ इतना बड़ा है, कोशिश नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। चलो मैं आप लोगों को एक कहानी बता रहा हूँ। ना क्या है ना, हम लोग जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पे एक बंदा था, पानी लेकर के आ रहा था। तो वो देता था 30 रुपये कैन पानी, एक कैन का 30 रुपये लेता था और हम लोग उसी से लेते थे। लेकिन एक बंदा बाद में किसी ने आया और रूम पे आया और उसने बोला कि भैया हम पानी आरो वाटर देते हैं और सब लोग आपको 30 रुपये में देते हैं आरो का पानी, लेकिन हम आपको 20 रुपये में आरो का पानी देंगे और 20 रुपये में आपको पानी देंगे जब भी आप मंगाना चाहते हैं, हम आपको अवेलेबल करेंगे, हम जब भी आप मंगाना चाहेंगे तब हम आपको दे देंगे। और दूसरा जो था वो ससुरा कभी देखते थे, कभी आरओ के पानी में मिक्स पानी कर देता था, सादा पानी मिक्स करके दे देता था क्योंकि उन लोगों के पास ज़्यादा कस्टमर हो गए थे और ज़्यादा उनका डिमांड हो गया था। तो ससुरा क्या करते थे, उसी में आरओ के पानी में मिक्स कर देते सादा पानी। लेकिन ये जो था कहा कि भैया आपको शुद्ध पानी देंगे, आपके आरओ में कोई मिलावट नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग वहाँ से उससे लेना शुरू कर दिए और धीरे धीरे उसका भी काम बढ़ने लगा, कस्टमर मिलते गए, लोगों से जाकर की बात करने लगा कि जहाँ पे आप 30 रुपये दे रहे हैं वहाँ पे हमको मात्र 20 रुपये दीजिए, हम आपको एक अच्छा क्वालिटी का आरो पानी देंगे, उसमें कोई मिक्स मिलावट नहीं होगी। तो वो ऐसा करके अपना एरिया बना लिया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे भी आने लगे, तो धीरे धीरे उसके भी ज़्यादा कस्टमर हो गए। तो वो धीरे धीरे अब अपना वो भी 30 रुपये कर दिया है और वो भी 30 रुपये में ही देता है, लेकिन लोग उससे जुड़े हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं क्योंकि देखो भैया एक बार जो बॉन्ड बन जाता है कस्टमर से और बिजनेसमैन से ना, एक बार जो बन जाता है ना तो फिर बाद में छोड़ने का थोड़ा मन नहीं करता है, थोड़ा सा लगाव भी हो जाता है, जिसके पास जाते हैं, जिसके पास मतलब सामान लेते हैं तो उनसे थोड़ा सा मतलब हो जाता है, एक बॉन्ड हो जाता है, तो लोग छोड़ते नहीं हैं जल्दी। हाँ, इसी सब पे छोड़ेंगे कि उनको मुनाफा हो, फ़ायदा हो आपके कस्टमर को, तभी छोड़ सकते हैं। तो वो आज भी, आज पहले 20 रुपये दिया, फिर अब मतलब सभी के सामान दे रहा है, जितना लोग दे रहे हैं उतने का ही दे रहा है। तो ऐसा काम शुरू कर सकते, शुरुआती में आप देखो आरओ का जो वाटर प्यूरीफायर का जो बिजनेस शुरू करें, शुरू में आप सस्ते दो लेकिन जब धीरे धीरे आपका डिमांड बढ़ जाए, लोग आ जाएँ, कस्टमर आ जाएँ तो आप भी बढ़ा सकते हो। और इसका देखो ये कभी भी डिमांड कम नहीं होने वाला है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा इसका डिमांड होगा, जो ससुराल सादा पानी पी रहे हैं वो लोग भी पीने लगेंगे आरओ का पानी, तो इसका डिमांड भैया कभी कम नहीं होगा। और इसे शुरू करो, ठीक है, आज नहीं है पैसा ना तो भैया पैसा बचाना सीखो, बचाओगे नहीं ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। ससुराल पैसा तो लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, लेकिन जो बचाना नहीं जानता है ना उस ससुराल कबो नहीं पैसा बचा पाएगा। एक भैया एक मतलब देख रहा हूँ ऐसा मतलब काम कि भैया इतना सालों से पैसा लोग कमा रहे हैं, लेकिन भैया पूछो कितना पैसा रखे हो, ये ससुराल पैसा कहाँ रखे हैं, पैसा नहीं रखे हैं, ये ससुराल नहीं इतना दिन से पैसा कमा रहा है, पैसा नहीं रखा है, बुड़बक्का है कारे तुम हैं। तो भैया पैसा कमाना आज के समय में उतना ज़रूरी नहीं है, भैया पैसा बचाना उतना ज़रूरी है, पैसा नहीं बचाओगे ना कितना भी कमा लो पैसा वह नहीं बचाओगे तो भैया बानर बन जाओगे। बानर नहीं बनना है, जितना भी पैसा कमा रहे हो उसका सोचो भैया, जितना भी कुछ भी मान लो 10,000 कमा रहे हो ना तो हर महीना उनमें 10% या 20% अपना पैसा ऐसे जगह पर रखो उसको खर्चा नहीं करना है, तुम खाली 5 साल ऐसा करके देखो तब देखना, ठीक है, 5 साल खाली मात्र अपनी कमाई का 10% या 20% अलग जगह पे रखो और उसको खर्चा मत करो,
तब देखो आपके पास कई सार नहीं मतलब पैसा जुट जाता है, मात्र 10% या 20%, इतना निकाल दोगे ना तो भी भैया आपका लाइफ चल जाएगा, लेकिन इतना बचाओ तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दिल में कुछ है और कहने का तो भैया कमेंट कर देना, ठीक है? और क्या कहूँ यार, जो दिल में होगा बोल देना, देखा जाएगा। तो चलो आगे मिलते हैं आप लोगों से कोनो और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, जहाँ भी रहो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और दाल भात और सब्जी रोटी पूरी सब्जी खाते रहो।